और वहीं बैरसिया से इस वक्त की अगली बहुत बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं। वार्ड 7 में चुनावी विवाद का में हमला हुआ है। हारे हुए प्रत्याशी पर हमला करने का आरोप लगा है। वोट नहीं देने पर एक शख्स पर तलवार से हमला किया गया है। बैरसिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। बैरसिया के वार्ड 7 से पार्षद चुनाव हारने के बाद लाल कुरैशी और उनके बेटों ने इरशाद मेवाती पर तलवार से जानलेवा हमला किया है। वोट नहीं देने को लेकर ये विवाद हुआ था। इरशाद को गंभीर चोटें भी आई हैं और थाना बैरसिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर थाना प्रभारी अब मौके पर मौजूद है। तो देखिए, अब लगातार जिस तरह से नतीजे सामने आते चले जा रहे हैं, वैसे अब जो आक्रोश है वो भी सामने आ रहा है। जहां बैरसिया से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, वार्ड 7 में चुनावी विवाद से हमला हुआ है और हारे हुए प्रत्याशी पर यह हमला करने का आरोप लगा है। वोट नहीं देने पर एक शख्स पर तलवार से हमला किया गया, जिसके बाद बता दें कि बैरसिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। बैरसिया के वार्ड 7 से पार्षद चुनाव हारने के बाद लाल कुरैशी और उनके बेटों ने इरशाद मेवाती पर तलवार से जानलेवा हमला किया है। तो देखिए, नाम भी सामने आया है कि आखिर किसके द्वारा यह हमला किया गया। बता दें आपको एक बार फिर कि पार्षद चुनाव हारने के बाद लाल कुरैशी और उनके बेटों ने इरशाद मेवाती पर तलवार से जानलेवा हमला किया। वोट नहीं देने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद इरशाद को गंभीर चोट भी आई है इस हमले के चलते और थाना बैरसिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। हालांकि थाना प्रभारी मौके पर मौजूद है और जो पूरी घटना है उस पर संज्ञान ले रहे हैं, जांच उनके द्वारा की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बैरसिया से ये बड़ी खबर है। वार्ड 7 में चुनावी विवाद में हमला हुआ है। हारे हुए प्रत्याशी पर हमला करने का आरोप लगा हुआ है और वोट नहीं देने पर एक शख्स पर तलवार से यह हमला किया गया है। बैरसिया थाना प्रभारी मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। पड़ताल लगातार जारी है। बैरसिया के वार्ड 7 से पार्षद चुनाव हारने के बाद लाल कुरैशी और उनके बेटों ने इरशाद मेवाती पर तलवार से जानलेवा हमला किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वोट नहीं देने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था, जिसके बाद अब ये जो पूरा हमला हुआ, इरशाद के ऊपर हमला किया गया और इस पूरे हमले से इरशाद को गंभीर चोट भी आई है, जिसके बाद उनका इलाज किया जा रहा है। थाना बैरसिया का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर थाना प्रभारी अब मौके पर मौजूद है। लगातार उनकी तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बैरसिया से, जहां पर अब देखिए चुनावी माहौल जैसे जैसे अब अपने परिणाम घोषित कर रहा है। जिस तरह से सुबह से काउंटिंग चल रही थी और कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब इसके बाद रिजल्ट सामने आ रहा है और अब जिस तरह से रिजल्ट सामने आ रहा है, जो हारे हुए प्रत्याशी है उनका आक्रोश देखने को मिल रहा है, उनकी जो उथल पुथल है वो साफ तौर पर देखने को नजर आ रही है। वार्ड 7 में चुनावी विवाद से हमला किया गया है और हारे हुए प्रत्याशी पर हमला करने का आरोप है। वोट नहीं देने पर एक शख्स पर तलवार से यह जानलेवा हमला किया गया और बताते चले कि बैरसिया के वार्ड 7 से पार्षद चुनाव हारने के बाद लाल कुरैशी और उनके बेटों ने इरशाद मेवाती पर यह हमला किया। तलवार से आपको बता दें कि जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद जो इरशाद मेवाती हैं उनकी स्थिति जो है उन्हें काफी चोट आई है, जिनका इलाज चल रहा है। गंभीर चोटें उनके ऊपर आई हैं। थाना प्रभारी हालांकि मौके पर पहुंचे हैं और पूरी जांच पड़ताल उनके द्वारा की जा रही है। थाना बैरसिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हालांकि अब पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए किन किन लोगों को नाम शामिल किया है, ये देखने वाली बात है। और देवास नगर निगम पर बीजेपी